डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग इफेक्टिव एक्सेस टाइम, मेमोरी का इफेक्टिव एक्सेस टाइम निकालने के लिए न्यूमेरिकल करते हैं। आइए पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 200 नैनो सेकेंड का जो टाइम है वो मेमोरी को रिक्वायरमेंट पूरी करने में लग रहा है, जिसमें दो टाइप के पेज फॉल्ट हो रहे हैं। एक पेज फॉल्ट का टाइम है 7 मिलीसेकेंड, जब मेमोरी में फ्रेम अवेलेबल है लेकिन पेज लोड वहाँ पे नहीं है, एक पेज फॉल्ट ये हुआ। दूसरा पेज फॉल्ट 15 मिलीसेकंड का है, जब हमारे पास पूरी मेमोरी भरी हुई है और पेज की डिमांड हुई लेकिन पेज अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पेज पूरी की पूरी मेमोरी की फ्रेम भरी हुई है। तो इस कंडीशन में वो क्या कर रहा है, वो स्वैप इन और स्वैप आउट करके स्पेस बना रहा है। और जो फॉल्ट का रेशियो है, पेज फॉल्ट का जो रेशियो है, रेट है, वो 5% है। इस 5% के 60% में ये 15 मिलीसेकंड वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। ये चीज़ यहाँ पे दी हुई है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे ये नहीं दी गई है कि इसके बचे हुए 40% में ये 7 मिलीसेकंड की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। आइए अब हम लोग सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले जो पेज डिमांड दिया हुआ है, पेज डिमांड मतलब मेमोरी एक्सेस टाइम हमारा 200 नैनो सेकंड का दिया हुआ है। मेमोरी एक्सेस टाइम को हम एमए भी बोलते हैं और इसको हमने नैनो सेकंड में दिया हुआ है। पूरी की पूरी देखिए क्वेश्चन में, यहाँ पे यूनिट मिली सेकंड दिया है, यहाँ पे यूनिट नैनो सेकंड दिया है, तो ये सारी यूनिट बदल के हम एक करेंगे, हम इसको माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, मेमोरी एक्सेस टाइम हमारा 200 नैनो सेकंड दिया हुआ है, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे माइक्रो सेकंड में। माइक्रो सेकंड की यूनिट म्यू एस है, ठीक है। तो ये हमने इसको यहाँ पे कन्वर्ट करने का प्रोसेस किया और एमए की वैल्यू आ गई हमारी। पेज फॉल्ट जो कि क्वेश्चन में गिवन है वो 5% है। अगर पेज फॉल्ट 5% है तो मतलब कि जो ऑपरेशन फुलफिल करने में हमें कितना समय लग रहा है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिमांड पेज रेट निकालेंगे, इसको हिट रेट भी कहते हैं। तो 100 अगर समय लग रहा है किसी काम को पूरा करने में, लेकिन 5% का तो फॉल्ट हो गया, तो 100 में से 5 निकाला, यानी कि 95% टाइम हमें पूरे पेजेस को वहाँ पहुँचाने में लग रहा है फॉल्ट हटाने के बाद। ये वैल्यू हमें आगे न्यूमेरिकल में काम आएगी, ये वैल्यू हमें आगे न्यूमेरिकल में काम आएगी। आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको जब क्वेश्चन पढ़ा था तो बताया था कि दो टाइप के पेज फॉल्ट हो रहे हैं, एक 5 मिलीसेकंड में जब फ्रेम फ्री है लेकिन पेज नहीं है। इसमें क्या करना है कि क्वेश्चन में दिया था कि 60% टाइम हमें लग रहा है रिप्लेस करने में, इसका मतलब 40% टाइम हमें लग रहा है फ्री वाले स्पेस को भरने में। ये 5% का 60% लग रहा है रिप्लेस करने में और 5% का 40% लग रहा है फ्री स्पेस को भरने में, क्योंकि टोटल हमारा जो फॉल्ट रेट है वो 5% है। तो इस 5% का 60% यहाँ यूज़ हो रहा है, इस 5% का 40% यहाँ यूज़ रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा 5% बन रहा है। तो पहला पेज फॉल्ट का टाइम रेट कैलकुलेट हम लोग करेंगे 5% का 40%, जैसा कि मैंने आपको समझाया था। इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 2% आएगा। 2% जो फॉल्ट हो रहा है, इस 2% का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 7 मिलीसेकंड है। यूनिट हमें एक करनी है, यानी कि माइक्रो में करना है, तो हमने इसको माइक्रो में बदल दिया। अब यानी कि 5% में जो फॉल्ट हो रहा है 40%, उसको फॉल्ट टाइम हमारा ये रहा, ये अभी आगे न्यूमेरिकल में काम आएगी। जो सेकंड टाइप का, दूसरे टाइप का जो फॉल्ट हो रहा है वो 15 सेकंड का है, उसका फॉल्ट टाइम 15 सेकंड है। इस 15 सेकंड में वो 60%, 5% का 60% मेमोरी स्वैप इन और स्वैप आउट में यूज़ कर रहा है। तो 5 का 60%, देखिए कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने डीप में दिखाई है, इससे 7% वाले में डीप में नहीं दिखाई थी, यहाँ पे डीप में दिखा दी है। तो इसको इस तरह सॉल्व किया तो ये आ गया हमारा 3%। अब यहाँ पे यूनिट हम इसकी माइक्रो में बदलेंगे,
मैक्रो में बदलेंगे तो यूनिट मैक्रो में बदली आ गई। अब 5% का जो 60% का कैलकुलेशन है उसकी वैल्यू ये रही। अब हमारे पास दोनों पेज फॉल्ट निकल आए हैं और इफ़ेक्टिव एक्सेस टाइम का जो हमारा फॉर्मूला है वो ये रहा। इस फॉर्मूले में देखिए हमने दो पेज फॉल्ट की बात की है, ये तो पेज फॉल्ट परसेंटेज है, ये मेमोरी एक्सेस टाइम है, ये वही है पेज फॉल्ट। ये पहला पेज फॉल्ट टाइम वन, पेज फॉल्ट टाइम टू, यानी कि ये वैल्यू जब हमने पुट की पहले पेज फॉल्ट में हम लोग 7 मिली सेकेंड वाली वैल्यू रखेंगे, दूसरे पेज फॉल्ट में हम लोग 15 मिली सेकेंड वाली वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे मैंने आपको जब इससे पहले जब ये टॉपिक पढ़ाया था तो बता दिया था कि जो ये वैल्यू भी हमेशा 100% होती है, तो यहाँ पे 1 की जगह 100 होगा, 100 माइनस 5% ये वैल्यू आई 95। और ये वैल्यूज़ हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, 7 मिली सेकेंड वाली और ये 15 मिली सेकेंड वाली। यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद रखने के बाद जो आंसर आया वो ये रहा। सबसे बड़ी बात, इस क्वेश्चन में दो टाइप के पेज फॉल्ट हो रहे हैं, एक 7 मिली सेकेंड का है, एक 15 मिली सेकेंड का है। इस बात को ज़रूर समझना है, जो 7 मिली सेकेंड का जो हमारा पेज फॉल्ट है उसमें पेज फॉल्ट में इतना समय लग रहा है, ये जो मैंने आपको समझाया था ये चीज़ आपको समझनी होगी, और जो 15 सेकेंड में पेज फॉल्ट हो रहा है ये चीज़ समझनी होगी। बाकी इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप लोग मुझे बताइए।